हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट्स केयर 23। आज हम वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे एरोहेड सिंगोनियम प्लांट की, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर आप अपने गार्डन में चाहते हैं खूब ग्रीनरी ऐड करना, आपका गार्डन खूब हरा भरा लगे, तो सिंगोनियम ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस पॉट में मैंने लगाया हुआ, और ऊपर एकदम गुलदस्ते जैसा हो जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये एरोहेड प्लांट। तो आज ये वीडियो शुरू करते हैं इसके बारे में। जो सिंगोनियम है, एक इंडोर प्लांट भी है, एक आउटडोर प्लांट भी है, तो आप इंडोर भी इसे लगा सकते हैं, आउटडोर भी इसे लगा सकते हैं। सिंगोनियम एरोहेड जो है प्लांट, इसकी बहुत सी वैरायटीज़ मिलती हैं। कुछ छोटी वैरायटीज़ होती हैं ड्रॉप, जिनमें के पत्ते भी छोटे होते हैं और प्लांट भी बहुत छोटे से कंटेनर्स में आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाइन है, ये बेलनुमा है, ये बढ़ती है जैसे मनी प्लांट आपका जो होता है बढ़ता है, इसी तरह से ये भी बढ़ती है। तो ये वाइन है, आप इसको भी छोटा करके लगा सकते हैं, आप इसे बढ़ने ना दें। इसकी कटिंग करके मैंने जैसे लगा रखा है, इस तरह से लगाएं तो ये भी गमले में बहुत सुंदर लगती है। अब बात करते हैं इसके मिट्टी की। अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो मिट्टी आपने इसकी वेल ड्रेन बनानी है, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत गार्डन सॉइल लेंगे, थोड़ा काउडंग कंपोस्ट और थोड़ा रेत बालू, जिससे कि मिट्टी में पानी ना रुके। आप जिस पॉट में इसे लगाएंगे उसका ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है पॉट में खड़ा ना हो। जैसे कि मैंने बताया ये इंडोर प्लांट है, तो सनलाइट की नीड जो है इसकी, कि इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है, तेज लाइट चाहिए होती है, इनडायरेक्ट मिले, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसे लाइट आती है तो इसके पत्ते जो होते हैं वो जल जाते हैं और झड़ जाते हैं, जल के उसमें ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो जाता है, तो पत्ते वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें, इनडायरेक्ट धूप में रखें। आउटडोर भी अगर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट आए, लेकिन इनडायरेक्ट धूप हो, इनडायरेक्ट लाइट हो। बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन इसका बहुत आसानी से हो जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि वाइन की तरह होती है, तो उसमें एरियल रूट्स आती हैं, आप उसे वहाँ से कट कीजिए और उस कटिंग को आप लगा दीजिए। इस तरह से आराम से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो आप इसको जो है पानी तब दीजिए जब इसकी जो सॉइल है वो ऊपर से आपको ड्राई लगे। अगर आप इसमें पानी नहीं देते हैं, अंडर वाटर हो जाता है, तो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और सूखकर वो खुद गिर जाती हैं। तो पानी का इसमें ध्यान रखना है कि पानी जो है, इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट रहे। इसके पत्तों पे भी आप मिस्टिंग करते रहिए, बहुत सुंदर लगते हैं इसके पत्तों में, जब पानी डलता है तो बहुत अच्छा सा दिखते हैं पत्ते। तो आप पानी जो है इसमें तब दीजिए जब इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाए, और ज़्यादा देर तक सूखा ना रहने दें, तो पानी आप इसको प्रॉपर देते रहें। बात करते हैं इसके खाद की। फर्टिलाइज़र आप इसे फरवरी में कर सकते हैं। मेरा जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें फर्टिलाइज़ मैंने तब किया था जब मैंने फरवरी में इसको दोबारा से लगाया था इस गमले में। उसके बाद मैंने अभी तक फर्टिलाइज़ नहीं किया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से ये लगा हुआ है। और जैसे कि आप पत्तियाँ देख रहे हैं, जैसे आप धूप में इसे रखते हैं उसी तरह से इसकी पत्तियों में वेरिएशन आता है। जैसे कुछ पत्तियाँ आप देख रहे हैं ग्रीन हैं, कुछ पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि इसमें वाइट है। तो जैसे धूप पड़ती है, जितना धूप पड़ता है धूप से इसमें वेरिएशन ज़्यादा आता है। अगर धूप नहीं पड़ती है तो पत्तियाँ मोस्टली ग्रीन रहती हैं। और अब जैसे आप देख रहे हैं पीछे जो पत्ती है हल्की सी वाइट है, ये पत्तियाँ आगे की ग्रीन है, तो जो पत्तियों में हल्का सा वाइट कलर है तो वो धूप की वजह से इसमें वेरिएशन आता है। इसी तरह से इनकी जो वेराइटीज़ हैं, इनमें भी पत्तियों के कलर डिफर डिफर होते हैं। कोई पिंक, कोई वाइट, कोई आपको ऑल ग्रीन, पूरा डार्क ग्रीन होता है जिसमें ग्रीन एंड वाइट का शेड होता है। तो इस तरह से इनमें बहुत सी वेराइटीज़ मिलती हैं, पत्तियों भी थोड़ी थोड़ी सी सब में डिफ़र होती हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको इसको मार्केट में देखिए वाइट है, तो इस तरह से बहुत सी वेराइटीज़ आपको मिल जाती है, जबकि ये सब एक ही मदर प्लांट के हैं। तो मैंने जैसे बताया कि वाइन भी होता है, तो मॉस्टिक लगा के भी आप इसे लगा सकते हैं जितना भी आप हाइट चाहते हैं, और नहीं चाहते तो जिस तरह से मैंने कटिंग करके लगा रखा है छोटे से गमले में, इस तरह से आप लगाइए और अपने गार्डन में और ग्रीनरी ऐड कीजिए। तो ये जानकारी थी सिंगोनियम एरोहेड प्लांट के बारे में। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।